कुछ समय से ऐसा ही चल रहा है, शायद अब टाइम आ गया है। अब डॉक्टर से मिलने का टाइम आ चुका है, वरना कहीं देर न हो जाए। मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? आज मुझको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। नहीं देता पागल कहीं का। ओह शिट, साला फिर हार गया। तो तुमने ही मुझे फोन किया था? जी जी सर। शो मी योर रिपोर्ट्स। यस सर। क्या उम्र है तुम्हारी? यही कोई 35 साल। हाँ, बीपी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल, कुछ तो नॉर्मल है। फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर प्रॉब्लम क्या है और कब शुरू हुई? डॉक्टर साहब, करीब 2 हफ्ते पहले, यही कोई 6 मार्च। अच्छा, इंडिया बांग्लादेश का फाइनल मैच था जिस दिन और इंडिया जीत गई थी। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। रात करीब 1 बजे सीने में बहुत दर्द हुआ, सोचा गैस होगी, फिर पसीना आने लगा, पेट में भी दर्द हुआ, फिर जकड़न महसूस हुई, फिर मैं सोच में पड़ गया।
डॉक्टर साहब, मेरे परिवार का, मेरे बच्चे का मेरे बाद क्या होगा? धीरज रखो यार, तुम्हारा शरीर तो एकदम फिट है, कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, ब्लड टेस्ट एकदम बढ़िया, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है? शायद उस रात के बाद मुझे ऐसा लगा अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। जहां मैं रहता हूं वहां सब मतलब ही है, किसी के यहां कुछ भी होता रहे ये लोग मैच नहीं छोड़ेंगे। ओ तो ये बात है, तो तुम अपना घर और मोहल्ला क्यों नहीं बदल देते? ये काम तो मैं पहले ही कर चुका हूं डॉक्टर साहब। क्या कोई ऑफिस की समस्या है, या कोई प्रेशर, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या काम में मन नहीं लगता? नहीं नहीं, इनफैक्ट काम पर जब होता हूं तो कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती डॉक्टर। तो क्या बच्चे से ना खुशी? 5 साल का लड़का है तुम्हारा, कहीं उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे मैं मना कर रहा हूं ना, नहीं देखना डोरेमोन, मारूंगा, चलो यहां से। तुम मुझे भी परेशान करते हो और मेरे बच्चे को भी परेशान करते हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? चलो यहां से। कहीं भाभी जी तो परेशान नहीं करती? उफ, समस्या तो बहुत ही गंभीर है। मैं कुछ एंटी डिप्रेशेंट्स लिख देता हूं, 1 हफ्ते बाद आना, फिर देखते हैं। सही रहो, बैठो। कैसा रहा, कुछ फर्क पड़ा? जी डॉक्टर साहब, 13 मार्च को लेना शुरू किया, एकदम असर हुआ, अच्छा लगा। फिर 15 मार्च को तकलीफ पड़ गई। ओह शिट,
इंडिया लॉस्ट दैट डे। ओह सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। फिर यकायक सब कुछ ठीक लगने लगा, घर ऑफिस सब कुछ अच्छा लगने लगा, कोई सीने में दर्द नहीं। मतलब सब ठीक है अब? गुड गुड गुड। रुकिए डॉक्टर साहब रुकिए, क्या हुआ? 19 मार्च की रात फिर बहुत दर्द हुआ, फिर वही जकड़न। पर उस दिन तो इंडिया जीता था, वो भी पाकिस्तान से। डॉक्टर साहब, मुझे हर चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप नहीं समझ पाए डॉक्टर साहब। से डर नहीं लगता साहब, जीना देखने को मिले। पर आप क्या जानोगे इस दर्द को, कोई नहीं समझ सकता कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और टीवी नागिन सीरियल लगा दे। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल।